हेलो फ्रेंड्स, आज हम वर्गीकरण की कड़ी में जॉन हचिंसन्स सिस्टम या जॉन हचिंसन्स का क्लासिफिकेशन सिस्टम लेने जा रहे हैं। हम इस वर्गीकरण में जॉन हचिंसन कौन थे, इनके वर्गीकरण के क्या क्या मुख्य आधार हैं, इस वर्गीकरण की क्या रूपरेखा है, इस वर्गीकरण की क्या सीलिएंट फीचर्स हैं, इस वर्गीकरण के क्या गुण और अवगुण हैं, इस संबंध में आज हम ये वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आइए, चलिए वीडियो देखिए और आनंद लीजिए। जॉन हचिंसन का जन्म 1884 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1972 में हुई थी। उसके पश्चात इन्होंने 1926 में द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स नाम से ये वर्गीकरण पद्धति प्रस्तुत की और उसके बाद में इन्होंने इस पद्धति को रिवाइज किया 1948, 59, 1969 एंड सो ऑन। और इस वर्गीकरण पद्धति को इन्होंने दो वॉल्यूम्स के अंदर प्रस्तुत किया जो फाइलोजेनी के नाम से जानी जाती हैं। ये वर्गीकरण पद्धति 20वीं सदी की फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण पद्धति थी जो काफ़ी अपने आप में अच्छी वर्गीकरण पद्धति थी। इस वर्गीकरण के कुछ मुख्य आधार हैं जो इन्होंने अपने हिसाब से माने थे। ये कौन कौन से आधार हैं, इन पर हम बात करेंगे। इनका मानना था कि वे प्लांट्स प्रिमिटिव होते हैं जिनके अंदर पेटल्स और सेपल्स होते हैं, और वे प्लांट्स एडवांस्ड होते हैं जिनके अंदर सेपल्स नहीं होते हैं। पेटल्स भले ही हों लेकिन सेपल्स नहीं होते हैं। और इनका मानना था कि फ्लावर के जो भी फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, यदि वो फ्री होते हैं यानी कि अलग अलग होते हैं, मुक्त होते हैं, तो ऐसे प्लांट्स प्रिमिटिव होंगे, और यदि फ्लोरल पार्ट्स आपस में जुड़े हुए होंगे या कॉनेट होंगे या फ्यूज्ड होंगे या संयुक्त होंगे तो वो एडवांस्ड होंगे। और तीसरा इनका मानना था कि फ्लोरल पार्ट्स की जो अरेंजमेंट है, ये व्यवस्था है, किस प्रकार से होती है। यदि स्पाइरल ऑर्डर में होती है, सर्पिलाकार क्रम में होती है, तो इट मीन्स वे प्लांट प्रिमिटिव हैं। और यदि ये व्यवस्था साइक्लिक या चक्रिक रूप में होती है, तो इट मीन्स ये प्लांट्स एडवांस्ड हैं। और इनका मानना था कि फ्लावर के अंदर हर्मेफ्रोडाइट कंडीशन हो। हर्मेफ्रोडाइट से सेंस है जब फ्लावर के अंदर दोनों सेक्स पाए जाते हैं, मेल एंड फीमेल, तो उस फ्लावर को हर्मेफ्रोडाइट कहते हैं। और उनके यदि स्टेमन्स भी फ्री हों तो ऐसी दशा को इन्होंने प्रिमिटिव कहा है। और यदि फ्लावर यूनिसेक्सुअल हों, मीन्स एक ही प्रकार का लिंग हो, आइदर मेल और फीमेल हो, और स्टेमन्स आपस में जुड़े हुए हों, तो ऐसी दशा को इन्होंने एडवांस कह करके पुकारा है। और इनका मानना है कि यदि फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है, त्रिज्या सममित है, त्रिज्या सममित फ्लावर उस फ्लावर को कहते हैं जब उसे किसी भी एंगल पर एक से ज़्यादा बार दो बराबर भागों में डिवाइड किया जाए, तो हर बार वह दो बराबर भागों में डिवाइड हो, तो ऐसे फ्लावर को एक्टिनोमॉर्फिक या त्रिज्या सममित या नियमित फ्लावर कहते हैं। यदि ऐसे फ्लावर यदि प्रेजेंट हों तो इस दशा को प्रिमिटिव कहा गया है। और यदि फ्लावर इससे विपरीत जाइगोमॉर्फिक प्रकार के हों या त्रिज्या सममित नहीं हों या एसिमेट्रिक हों या असममित हों, यानी कि उसे दो बराबर भागों में एक बार भी नहीं काटा जा सके, तो ऐसे फ्लावर एसिमेट्रिक होंगे, जाइगोमॉर्फिक होंगे, और इस दशा को इन्होंने एडवांस कह करके पुकारा है। और इनका मानना था कि किसी प्लांट के अंदर यदि फ्लावर्स सॉलिटरी हों, सॉलिटरी मीन्स अकेले हों या एकल हों, किसी भी प्लांट के एक्सिस से, पत्ती के अक्ष से या शाखा के शीर्ष पर स्थित हों, तो उस दशा को अकेला फ्लावर प्रेजेंट हो, तो इस दशा को सॉलिटरी व्यवस्था कहते हैं या एकल व्यवस्था कहते हैं। तो इस दशा को इन्होंने प्रिमिटिव कहा है। यदि फ्लावर्स का एक ग्रुप हो जिसे हम इन्फ्लोरसेंस कहते हैं या पुष्पक्रम कहते हैं, तो ऐसे प्लांट्स को कि जिनके अंदर इन्फ्लोरसेंस पाया जाता है,
पुष्पक्रम पाया जाता है या पुष्पक्रम युक्त होते हैं, तो ऐसे फ्लावर्स को इन्होंने एडवांस्ड माना है या प्रगत माना है। और इनका मानना था कि किसी फ्लावर के अंदर फ्लोरल पार्ट्स की संख्या इनडेफिनिट हो, अनिश्चित हो, डेफिनेट नहीं हो, तो ऐसे प्लांट्स या फ्लावर्स प्रिमिटिव होंगे। और यदि किसी प्लांट के अंदर या फ्लावर के अंदर फ्लोरल पार्ट्स की संख्या लिमिटेड हो, सीमित हो या कुछ ही हो, तो ऐसी दशा में उन्हें एडवांस्ड माना है, इनका मानना था। और इनका मानना था कि यदि किसी फ्लावर के अंदर सारे ही पार्ट प्रेजेंट हो, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनेशियम, ऐसा फ्लावर कंप्लीट फ्लावर कहलाता है या पूर्ण पुष्प कहलाता है, तो इस दशा को इन्होंने प्रिमिटिव कहा है। और यदि किसी फ्लावर के अंदर इनमें से कोई भी पार्ट एब्सेंट हो, कैलिक्स, कोरोला या एंड्रोशियम, गाइनेशियम, तो ऐसे फ्लावर को इन्होंने इनकम्प्लीट कहा है या अपूर्ण पुष्प कहा है, तो इस दशा को इन्होंने एडवांस माना है। तो ऐसे ये कुछ मुख्य मुख्य इनके वर्गीकरण के आधार हैं और इस आधार पर इन्होंने अपनी वर्गीकरण पद्धति प्रस्तुत की है। और इस वर्गीकरण पद्धति को इन्होंने विस्तार रूप से प्रस्तुत किया है और इस विस्तारित रूप में इन्होंने एंजियोस्पर्म्स को दो भागों में डिवाइड किया है, एक डाइकोटिलिडंस के नाम से जाने गए हैं और दूसरे मोनोकोटिलिडंस के नाम से जाने गए हैं। ये इनके वर्गीकरण की रूपरेखा है। इस रूपरेखा में इन्होंने फ्लावरिंग प्लांट्स को, पुष्पीय पादपों को या फैनेरोगैम्स को दो फाइलम में बांटा है। एक फाइलम को इन्होंने जिम्नोस्पर्म में नाम दिया है और दूसरे फाइलम को इन्होंने एंजियोस्पर्म में नाम दिया है। एंजियोस्पर्म में फाइलम को इन्होंने पुनः दो सब फाइलम में डिवाइड किया है, एक को इन्होंने डाइकोटिलिडनी नाम दिया है और दूसरे को मोनोकोटिलिडनी नाम दिया है। पुनः सब फाइलम डाइकोटिलिडनी को दो डिविजन्स में डिवाइड किया है, एक को इन्होंने लिग्नोसी नाम दिया है और दूसरे को हर्बेसी नाम दिया है। लिग्नोसी के अंदर ऐसे पादपों को रखा गया है जो विशेष रूप से वुडी हों, काष्ठीय हों, ऐसे प्लांट्स को रखा गया है। इसमें करीबन 246 फैमिलीज आती हैं। और हर्बेसी के अंदर ऐसे प्लांट्स को रखा गया है जो हर्बेसियस हों या शाकीय हों या एक वर्षीय प्लांट्स हों। इस हर डिवीजन के अंदर 96 फैमिलीज आती हैं। इसी प्रकार से सब फाइलम मोनोकोटिलिडनी को तीन डिविजन्स में इन्होंने डिवाइड किया है। पहला डिवीजन कैलिसीफेरी के नाम से जाना गया है, दूसरा डिवीजन कोरोलीफेरी के नाम से जाना गया है और तीसरा डिवीजन ग्लूमी फ्लोरी के नाम से जाना गया है। कैलिसीफेरी फैमिलीज के अंदर उन प्लांट्स को रखा गया है जिनमें पेटल्स के साथ साथ कैलिक्स भी प्रेजेंट हो। इसके अंदर 29 फैमिलीज आती हैं। कोरोलीफेरी के अंदर उन प्लांट्स को रखा गया है जिनके अंदर कैलिक्स और कोरोला का डिफ्रेंशिएशन नहीं हो और पेरियंथ पाए जाते हों और ये पेरियंथ पेटल की जैसे हों या दलों की जैसे हों या रंगीन हों। तीसरे डिवीजन ग्लूमीफेरी के अंदर ऐसे प्लांट्स को रखा गया है जिसके अंदर पेरियंथ एब्सेंट हों, मीन्स कैलिक्स कोरोला भी नहीं हों और पेरियंथ भी हों, इवन भी रिड्यूस्ड हो जाते हैं। और इस ग्लोमीफेरी के अंदर 6 फैमिलीज आती हैं। इन सभी सब फाइलम को और सब डिविजन्स को और इन सब का विस्तार से हम अलग से ले रहे हैं। जैसे सब फाइलम जो डाइकोटिलिडनी है उसका मुख्य विशेष था कि इसके अंदर दो कोटिलिडन्स होने चाहिए, इनके अंदर टीप रूट सिस्टम होना चाहिए, इनकी पत्तियों के अंदर रेटिकुलेट फेनेशन होना चाहिए, जालिकावत शिरा विन्यास होना चाहिए और इनके अंदर जो पुष्प हों वो पेंटामिरस होने चाहिए, पंचतई भाग होने चाहिए। पुष्प के अंदर 5 या 5 के गुण के अंदर फ्लोरल पार्ट्स कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनेशियम होने चाहिए। इसके अंदर पहला डिवीजन जो लिग्नोसी है, इस लिग्नोसी के अंदर उन प्लांट्स को रखा है इन्होंने जो ट्री फॉर्म में हो या श्रब फॉर्म में हो और मेनली वे वुडी हैबिट के अंदर हों, काष्ठीय हैबिट के अंदर हों। इसके अंदर 54 ऑर्डर्स आते हैं।
इससे डिवीजन की शुरुआत मैग्नोलियल्स ऑर्डर से होती है और इसका समापन वर्बिनिल्स ऑर्डर से होता है। दूसरा डिवीजन हर्बेसी के अंदर ऐसे पादपों को शामिल किया गया है जो हर्बेशियस हों या शाकीय हों और वे एनुअल या बाइनुअल इवन पेरिनियल भी हो सकते हैं, एक वर्षीय हो सकते हैं या एक वर्ष में दो बार फलने फूलने वाले हो सकते हैं या बहुवर्षीय भी हो सकते हैं। इसके अंदर 28 ऑर्डर्स आते हैं जिसमें रेनिल्स ऑर्डर को शुरू में रखा गया है और लेमियल्स ऑर्डर को सबसे बाद में रखा गया है। इसी प्रकार से फाइलम मोनोकोटिलिडिनी का जो वर्गीकरण है या इसके अंदर उन प्लांट्स को रखा गया है जिनके अंदर एक कोटिलिडन हो और इनके अंदर एडवेंटिशियस रूट सिस्टम हो या अपस्थानिक मूल तंत्र हो और पत्तियों के अंदर पैरेलल वेनेशन हो या समानांतर सिरा विन्यास हो। और यदि हम प्लांट का सेक्शन काटें, तने का सेक्शन काटें, तो उस तने के अंदर जो वेस्कुलर बंडल हो वो वेस्कुलर बंडल रिंग में न होकर के बिखरे हुए हों, स्कटर्ड हों और क्लोज्ड हों और फ्लावर ट्राइमिरस प्रकार का हो, तृतीय प्रकार का हो, यानी कि फ्लोरल पार्ट्स की संख्या 3 या 3 के गुणक में प्रेजेंट हो। तो ऐसे प्लांट्स को इस मोनोकोटिलिडन के अंदर रखा गया है। इसको फर्दर 3 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है जिसमें कैलिसी फेरी के अंदर उन प्लांट्स को रखा गया है जिनके अंदर कैलिक्स और कोरोला का डिफ्रेंशिएशन अच्छी तरह से हो और सेपल्स ग्रीन हो, पेटल्स रंगीन हो। इसके अंदर 12 ऑर्डर्स को शामिल किया गया है जिसमें शुरुआत में ब्यूटा मिल्स को रखा है और अंत में जिंजी बरेल्स ऑर्डर को रखा है। इसी प्रकार से कोरोली फेरी डिवीजन के अंदर उन प्लांट्स को रखा गया है जिनके अंदर कैलिक्स और कोरोला का डिफ्रेंशिएशन स्पष्ट नहीं हो, साफ नहीं हो, कलर के रूप में डिफ्रेंशिएशन नहीं हो, जैसे मेनली कैलिक्स ग्रीन कलर के होते हैं और पेटल रंगीन कलर के होते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन सुस्पष्ट नहीं हो तो ऐसे प्लांट्स को इसमें रखा गया है। और सेपल्स इसके अंदर कलर्ड होने चाहिए, कलर्ड से मीन्स है अदर देन ग्रीन कलर के हों तो उन प्लांट्स को इसमें रखा गया है। और पेटल्स और सेपल्स होते हैं ये अलग अलग रोल्स में प्रेजेंट होने चाहिए, अलग अलग चक्र के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। इसके अंदर 14 ऑर्डर्स को शामिल किया गया है जिसमें से लिलियल्स ऑर्डर को सबसे शुरू में रखा है और ऑर्किडल्स ऑर्डर को सबसे बाद में रखा है। तीसरा डिवीजन ग्लूमी फ्लोरी आता है जिसके अंदर उन प्लांट्स को रखा गया है जिनके अंदर पेरियंथ एब्सेंट हो या रिड्यूस्ड हो गया हो, छोटा हो गया हो, अपहासित हो गया हो और इनके अंदर सेपल्स और पेटल्स डिस्टिंक्ट नहीं हो या सुस्पष्ट नहीं हो और ये रिड्यूस्ड हो गए हों मेम्ब्रेन की, जैसे इनको विशेष रूप से ग्लूमी फ्लोरी के अंदर लॉडिक्यूल्स कह करके पुकारा गया है, जिस प्रकार से ग्रेमिनिकुल के अंदर इस प्रकार के ये मेम्ब्रेनस लॉडिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर 3 गणों को शामिल किया गया है जिसमें से जंकेल्स गण को शुरुआत में रखा गया है और ग्रेमिनेल्स गण को सबसे अंत में रखा गया है। इस प्रकार से इस वर्गीकरण पद्धति के मुख्य मुख्य डिवीजनों, सब डिवीजनों और फाइलम के क्या क्या स्पेशल फीचर्स हैं या सेलिएंट फीचर्स हैं ये हमने इसके अंदर स्पष्ट किए हैं। देन अब हम आते हैं इस वर्गीकरण के क्या गुण हैं या क्या मेरिट्स हैं। पहला इसका मेरिट है कि ये वर्गीकरण पद्धति मोस्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम है। अब तक की जो पद्धतियां थी हमने जो पहले बताई है उनमें से मोस्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम माना गया है और ये विशेष रूप से ऐसे करैक्टर्स पर बेस्ड है जो नेचुरल हों, प्राकृतिक रूप से दिखाई दे रहे हों और इस सिस्टम के अंदर उन चीज़ों को रखा गया है जो इवोल्यूशनरी टेंडेंसीज और इंटररिलेशनशिप्स एंजियोस्पर्म प्लांट्स के बीच में शो कर रहे हों उन प्लांट्स को रखा गया है। और इसके अंदर मैग्नोलियल्स जो आर्बोरेसेंट प्लांट्स हैं और जो रेनेल्स है
ये इसके अंदर दो लाइंस रखी गई हैं पैरेलल, एक तो मैग्नोलियल्स और दूसरी रेनिल्स। मैग्नोलियल्स के अंदर उन प्लांट्स को रखा गया है जो आर्बोरेसेंट्स हों, और रेनिल्स के अंदर उन प्लांट्स को रखा गया है जो हर्बेशियस प्रकार के हों। तो इनका मानना था कि ये इवोल्यूशन की दो पैरेलल लाइन होती हैं, जो अच्छी बात इन्होंने बताई थी। इसकी विशेषता है इसके अंदर बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स हैं, और उन बड़े बड़े ऑर्डर्स को छोटे छोटे ऑर्डर्स के अंदर तोड़ दिया गया है। जो पहले बड़े बड़े ऑर्डर्स थे उनको छोटे छोटे ऑर्डर्स में तोड़ दिया है, और तोड़ करके उनको नया नामकरण दिया गया है, जैसे रोजिल्स, पेराइटिल्स, मालवेल्स, लेगमिनल्स आदि, इस प्रकार के जो ऑर्डर है उनको। इसी प्रकार से कई जो फैमिलीज हैं उन फैमिलीज की जो रैंक है ऑर्डर से बदल दी गई है। जैसे लेगमिनोसी की फैमिली को लेगुमिनल्स ऑर्डर के अंदर रख दिया गया है। इसी प्रकार से कई जेनेरा और फैमिलीज को इन्होंने इस वर्गीकरण पद्धति के अंदर रीशफलिंग किया है। रीशफलिंग में से पुनर्व्यवस्था की है, और इनके अनुसार या इस पद्धति का जो गुण है उस गुण के अंदर ओरिजिन ऑफ मोनोकोट्स है। इनका मानना था कि डाइकोट से हुआ है, और इसका जो प्लेसमेंट है डाइकोट से पहले है, ये भी अपने आप में बहुत सही है, जो इस वर्गीकरण पद्धति की विशेषता है। और इसे हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि जिस प्रकार से कैलिक्स कोरोला का रिडक्शन हो गया है या पेरियंथ का रिडक्शन हो गया है, और रिडक्शन होकर के वे मेम्ब्रेनस रूप में आ गए हैं, जिसे हमने भी लॉडिक्यूल कहकर के पुकारा है, जो इन प्लांट्स की डेवलपमेंट को शो कर रहा है। इसी प्रकार से इसकी विशेषता है कि इस वर्गीकरण पद्धति में इन्होंने जिम्नोस्पर्म्स को एंजियोस्पर्म्स पहले रखा है, जो अपने आप में बहुत सही है। ये कुछ इस वर्गीकरण पद्धति के गुण हैं। इसी प्रकार से इस वर्गीकरण पद्धति में कुछ कमियां भी दिखाई देती हैं, डी मेड्स भी दिखाई देते हैं, अवगुण भी दिखाई देते हैं या दोष भी दिखाई देते हैं। उनमें से एक दोष है कि यहाँ पर जो फैमिलीज हैं उन फैमिलीज को अंडू फ्रेगमेंटेशन कर दिया गया है, कुछ फैमिलीज को बिना मतलब में तोड़ दिया गया है, जो अपने आप में सही नहीं है। इसी प्रकार से इस वर्गीकरण पद्धति के अंदर प्लांट्स के हैबिट और हैबिटेट को ज़्यादा महत्व दिया गया है, जो अपने आप में सही नहीं है, और इससे लिग्नोसी हर्बेसी का जो क्रिएशन हुआ है ये इस प्रकार से हुआ है, और इसके कारण से यहाँ पर एक प्रकार से डिफेक्ट दिखाई देता है, और इस प्रकार का महसूस होता है कि जिस प्रकार से हम अरिस्टोटेलियन काल के अंदर जीवित हो रहे हैं, या अरिस्टोटल काल को हम देख रहे हैं, ऐसा इस वर्गीकरण से दिखाई पड़ता है। तीसरा इसका डिमेरिट है कि इन्होंने एंजियस प्लांट्स की जो ओरिजिन है ये ओरिजिन बेनिटाइटेलियन लाइक एंसेस्टर प्लांट से माने हैं। बेनिटाइटेलियन नामक जो प्लांट्स हैं विशेष रूप से जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं, और इन्होंने बेनिटाइटेलियन लाइक प्लांट्स को एंजियोस्पर्म का एंसेस्टर कहा है, और इसकी कई लोगों ने क्रिटिसाइज की है, कई लोगों ने इसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, क्योंकि इन्होंने देखा कि बेनिटाइटेलियन जो प्लांट्स हैं उनकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर किस प्रकार की है। तो ये एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो अर्ली डाइकोटिलीडंस हैं, जिनमें हम रेनिल्स के मेंबर्स को मानते हैं, मैग्नोलियल्स के मेंबर्स को मानते हैं, उनके अंदर इस प्रकार की एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देती है जिस प्रकार की बेनिटाइटेलियन लाइक प्लांट्स के अंदर दिखाई देती है। इसलिए इस प्रकार की जो एंसेस्ट्री है, इस एंसेस्ट्री के ऊपर विवाद उत्पन्न किया है लोगों ने। और चौथा इसका अवगुण है, ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल नहीं है, नॉट प्रैक्टिकल यूटिलिटी। प्लांट को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए जिस प्रकार से बेंथम एंड हुकर पद्धति को हम काम में लेते हैं, तो इजीली प्लांट का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। इसी के लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए इन्होंने जो अपने आप आर्टिफिशियल कीज बनाई है उस कीज को ही यूज कर सकते हैं, और वह आर्टिफिशियल कीज दिखाई नहीं देती है, वे करेक्टर्स प्लांट्स के अंदर दिखाई नहीं देते हैं, अजम्पशन किए जाते हैं, और अजम्पशन के बेसिस पर वो
मैच नहीं हो पाता है, इस बेसिस पर ये इसके अवगुण हैं। इस प्रकार से हमने इस वीडियो के माध्यम से जॉन हचिंसन क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसके वर्गीकरण के आधार, सेलिएंट फीचर्स और इसके गुण और अवगुणों के बारे में आपने जाना। ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखते रहिए। और ज़्यादा इसका विवरण आपको प्राप्त करना है तो मेरा फेसबुक पेज डॉक्टर एन के बावलिया के नाम से बना हुआ है, उसे सर्च कीजिए। इसके पैरेलल ये जो मटेरियल है मैं उसके अंदर शेयर कर रहा हूँ, उससे भी आप हेल्प ले लीजिए। और मेरी कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट्स कीजिए, कोई क्वेश्चन आंसर हो तो वो पूछिए। स्टे होम, स्टे सेफ।